बैंक अकाउंट हम सभी के होते हैं और हम सभी बैंक अकाउंट खोल करके बहुत सारे बेनिफिट्स को लेते हैं, जैसे पैसे जमा करना, पैसे को विड्रॉल करना, ई वॉलेट्स के थ्रू ट्रांसफर करना, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजें हम सभी यूज करते हैं और हमारे बैंक के माध्यम से ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बैंक में क्लर्क कैसे बने, जो कि आपके इन सारे कामों को करते हैं। जब आप बैंक जाते हैं तो आपके डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, RTGS, NEFT, ये सारे काम जो बैंक के कर्मचारी करते हैं उन्हें हम क्लर्क कहते हैं। आइए आज हम जानते हैं आप एक बैंक क्लर्क कैसे बने और बैंक में जाने का सपना कैसे आप पूरा करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैंक क्लर्क बनने के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। कुछ स्टेजेस के थ्रू आप इस एग्जाम को क्लियर करके बैंक क्लर्क बन सकते हैं और आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या पेपर पैटर्न है, ये सारी बातों की आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आप एक बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी ये है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ नो परसेंटेज बार। अगर आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, फिर भी आप बैंक में जा सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और परसेंटेज का कोई बार नहीं होता। आप सिर्फ बैचलर डिग्री में पास हो, इससे आप बैंक क्लर्क का एग्जाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मुंबई से फॉर्म भर रहे हैं, महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको मराठी आनी चाहिए। वहाँ की लोकल लैंग्वेज, जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए 20 इयर्स से लेकर के 28 इयर्स। यहां पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको एज रिलैक्सेशन IBPS इंस्टीट्यूट के थ्रू मिलता है दोस्तों, जिसकी मैं बता दूं आपको, OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, PWD के लिए 10 इयर्स, और अगर आप एक विडो हैं तो आपके लिए 9 इयर्स और 7 इयर्स तक आपको रिलैक्सेशन मिलता है। मैं बात करूं अगर इसकी कंडक्टिंग एजेंसी की, तो दोस्तों इसको दो एजेंसीज कराती हैं। एक SBI क्लर्क अपना अलग फॉर्म निकालती है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और दूसरी जो संस्था है जो सारे बैंकों के लिए, हर नेशनलाइज बैंक के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसको हम कहते हैं IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। दोस्तों इसका काम यही होता है कि बैंक के कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट करे, बैंक के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट का जिम्मा जो होता है वो IBPS के पास होता है। अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसमें आपको दो स्टेज में एग्जाम देना होता है। आपको प्रीलिम्स और मेंस, ये दो स्टेज में आप एग्जाम को देते हो। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो दोस्तों प्रीलिम्स में आपको 3 सब्जेक्ट पे अपनी कमान बनानी है, क्योंकि यहां पर आपके पास 60 मिनट्स होंगे और 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए 30 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, यहां पर आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। इस 20 मिनट के अंदर आपको इन 30 सवालों का जवाब देना होगा। इसके बाद आपका दूसरा पेपर स्टार्ट होगा, अपने आप स्लाइड बदल जाएगी और आपको सेकंड पेपर, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी पे जाना है, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। इसमें आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे और आपको टाइम सेम मिलेगा, 20 मिनट्स में आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तीसरे जो पेपर है वो रीजनिंग एबिलिटी है, जिसमें कि आपको 35 क्वेश्चंस करने होंगे 35 मार्क्स के, और यहां पर भी आपको 20 मिनट्स मिलने वाले हैं। तो यहां पर आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करना है। इसी के साथ आपका प्रीलिम्स का पेपर खत्म हो जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कट ऑफ बनती है, अगर उस कट ऑफ को आप क्लियर करते हैं तो फिर आप इसके सेकंड स्टेज पर जाते हैं और वह है आपका मेंस एग्जाम। जिस मेंस एग्जाम की मैं आपको बात करूं तो दोस्तों मेंस एग्जाम में जो आपको पेपर देने हैं वो आपको टोटल 4 पेपर्स देने होते हैं। जो पहले क्वेश्चन होते हैं वो आपका जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस से होता है। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें कि 50 मार्क्स के होते हैं और आपको टोटल टाइम 35 मिनट्स का दिया जाता है। इसके बाद इंग्लिश का पेपर होता है जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होते हैं और आपको टाइम सेम 35 मिनट्स दिए जाते हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर में आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं और आपको टाइम 45 मिनट्स दिया जाता है। मैथमेटिक्स के आपको 50 क्वेश्चंस में 50 मार्क्स के होते हैं और टाइम आपको मिलता है 45 मिनट्स। अगर आप इन दोनों एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, तो यहाँ पर आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना होता है। दोस्तों अगर आप इन एग्जाम को देते हैं तो आप
एक बैंक क्लर्क बन सकते हैं। यहाँ पर आपकी कट ऑफ आएगी, आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा और आप अपने अच्छे जो सबसे फेवरेट बैंक है उसको आप वैकेंसीज के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।